द्वारा मोबाइल चोरी करने वाले एक सक्रिय गिरोह का पर्दाफाश किया गया है। कल दिनांक 2 जनवरी को संध्या गश्ती के समय साक्षी थाना के पुलिसकर्मियों को एक संदिग्ध व्यक्ति मिला साक्षी गोलचक्कर के पास। पूछताछ करने पर पता चला कि उसके पास 3 मोबाइल थे जो कि चोरी के प्रतीक हुए, क्योंकि उनके इसके द्वारा कोई भी विश्वासजनक उत्तर नहीं दिया गया। कड़ाई से जब पूछताछ की गई तो फिर पता चला कि वो साहेबगंज का रहने वाला है और अपने साथी के साथ मिलकर जमशेदपुर के अलग अलग स्थानों में भीड़भाड़ वाले इलाकों में मोबाइल चोरी की घटना को अंजाम दिया करता है। उसकी निशानदेही पर कुल 62 मोबाइल की बरामदगी हुई। इन मोबाइल्स का ईएमआई नंबर देखा गया, जिससे पता चला कि इनमें से कई सारे मोबाइल चोरी किए गए हैं, जिनका रिपोर्ट किया गया है विभिन्न थानों में जमशेदपुर में। तो इस गिरोह का मुख्य कार्य करने का तरीका यही है कि ये भीड़ भाड़ वाले इलाके, विशेषकर सब्जी मंडी में या फिर कुछ मॉल्स में, दुकानों में, जब ग्राहक खरीदारी में व्यस्त रहते हैं तब उनके जैकेट में से, उनके पॉकेट में से मोबाइल निकालते हैं, अपने साथी को देते हैं। ये साहेबगंज के 3 पहाड़ के रहने वाले व्यक्ति हैं और ये गिरोह काफ़ी सक्रिय है मोबाइल चोरी में। एक बार में कुछ 60-80 मोबाइल इकट्ठा करने के बाद ये वापस साहेबगंज चले जाते हैं, जहां से ये मोबाइल्स को आगे बेचते हैं और ये ब्लैक मार्केट में फिर आगे निकलता है। कितने लोग पकड़े हैं सर? कितने लोग पकड़े हैं और कितने लोग हैं इन लोगों के सामने? 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। संभवतः इनके गिरोह में और भी व्यक्ति हो सकते हैं, जिसके लिए पुलिस आगे जांच कर रही है। विभिन्न स्रोतों से हम लोग जांच कर रहे हैं। जमशेदपुर में कहाँ रहते हैं ये लोग? इन लोगों का कोई निश्चित ठिकाना नहीं रहता है। ये किसी भी सस्ते होटल में या लॉज में आकर के 10-15 दिनों के लिए आते हैं, वहीं पर रुकते हैं और कई सारे मोबाइल्स की चोरी करके करने के बाद ये वापस साहेबगंज चले जाते हैं। 62 मोबाइल कितने दिनों के अंदर में चोरी हुआ? ये 62 मोबाइल अभी तक के जाँच से पता चल रहा है कि पिछले कुछ 15 दिनों के अंदर की मोबाइल चोरी की गई है इनके द्वारा। और भी इसमें गिरोह में शामिल हैं?